आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे के गांव परशुपुरा पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 30 किलोमीटर तो ब्लॉक से 18 किलोमीटर है। 1500 वोटों वाले इस गांव की कमान अनिल कुमार के हाथों में है। गांव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गांव की जिम्मेदारी इनके हाथों में सौंप दी है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गांव में अच्छा विकास कराया है। बताते चलें कि जितने भी पक्की सड़कें हैं सभी ग्राम प्रधान द्वारा बनाई गई हैं। 4 वर्ष में किस तरह से इन्होंने गाँव को सजाया है और अभी भी क्या समस्याएं बाकी है, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक मुंडा पांडे के परशुपुरा बाजे गांव में। यहां प्रधान द्वारा अब तक काफी विकास करवाया जा चुका है जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। 4 साल आपके कार्यकाल को पूरे बीत चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य आपने गाँव में अब तक करवा दिए हैं? मैंने अपने ग्राम पंचायत में 250 शौचालय बनवा दिए जी। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मेरी आई 80% में टाइल्स में लगाई जी। शमशान बनवाया अपने जी। नालियाँ बहुत सारी बनवाई जी। 5 स्कूल मेरे ग्राम पंचायत में आ गए। 5 दिन में टाइल्स बांध दी, सौंदर्यकरण करा दिया जी। और जितनी भी मेरी आई जी उसका सदुपयोग बढ़िया तरीका किया। आवास मिले हैं यहाँ लोगों को? आवास मेरे पास पहले जो 2011 की BPL सूची थी जी 26 आवास मिले थे, 26 के 26 मैंने बनवा दी जी। 16 लाइट स्ट्रीट लाइट वगैरह लगी हैं गांव में? हाँ, मैंने स्ट्रीट लाइट लगवाई थी, 50 स्ट्रीट लाइट लगवाई थी, 200 लाइट लगवाई थी जी। डस्टबिन वगैरह रखवा रखे हैं? हाँ, डस्टबिन भी लगवाई थी। सरकार की, केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती हैं गरीबों के लिए, जैसे उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, ये आपके गांव में सभी को मिले हैं? सभी 100% लोगों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सबको गैस मिले जी। और सभी को बिजली के कनेक्शन जो है ये सौभाग्य योजना के अंतर्गत कनेक्शन हो गए। किसानों के खाते में सम्मान निधि का पैसा आया? हाँ, किसानों के सम्मान निधि के पैसा सभी के आ रहा है। और कुछ रहते हैं जैसे अकाउंट नंबर खराब है, किसी का आधार खराब है, तो करने के लिए राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड ये बन गए सभी? हाँ, सभी के राशन कार्ड। यहाँ पर स्कूल के अलावा बारात घर, पंचायत घर बने हुए हैं? बारात घर, पंचायत घर नहीं है। आंगनवाड़ी केंद्र, खेल का मैदान, ग्राउंड ही नहीं है। मैंने बच्चों के लिए किट ला के दे दी थी, प्राइवेट जगह है उन्हीं पर खेलते हैं। ग्राम समाज की भूमि यहाँ पर नहीं है। अस्पताल भी नहीं है। कितनी दूर यहाँ से अस्पताल है? अस्पताल मुंडा पांडे में ही है। वैसे छोटे छोटे जो वैसे बना रखे हैं जैसे सरकड़ा है जी जी, बाकी जो बढ़िया है वो मुंडा पांडे है जी। अब अपने गांव को सुंदर और विकसित बनाने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? सरकार से यही है कि जैसे बारात घर है इसकी कमी खलती है गाँव वालों को जी, और पंचायत भवन है, इनके लिए आप चाहेंगे कि ये गाँव में बनाया जाए? बाकी प्रधान के द्वारा तो जो काम होता ही है जी, क्योंकि आबादी छोटी है, क्षेत्रफल ज़्यादा है जी, पैसा की भी ज़्यादा जरूरत पड़ती है यहाँ पे जी। 10% विकास जब भी हो पाएगा जब ज़्यादा पैसा आएगा या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से कोई ना कोई छोटा मोटा रास्ता और बनवा जी। आपने किसी सांसद निधि या विधायक निधि से कभी अपने गाँव को विकसित करने के लिए, सड़क वगैरह के लिए मदद या मांग आपने रखी है? मैंने मांग करी थी जी, इससे पहले जो सांसद जी बने थे उनसे भी मांग करी थी, अभी तक कोई मदद यहाँ नहीं। इस काम के लिए आते ही नहीं। जीतने के बाद में सांसद या विधायक कभी ग्राम पंचायत में लौटे हैं देखने के लिए, इसकी स्थिति क्या है, क्या है? जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास प्रधान द्वारा इस गांव में करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स का रही, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, स्कूल में भी सौंदर्यकरण करवाया गया है, 250 शौचालय प्रधान द्वारा यहाँ बनवा दिए गए हैं, गाँव जो है ओडीएफ हो गया, आवाज भी यहाँ कुछ लोगों को मिले हैं। लेकिन यहाँ पर यदि समस्याओं की तरफ नजर की जाए तो कुछ मूलभूत समस्याएं यहाँ हैं जिनसे लोग आज भी जूझ रहे हैं, जैसे कि बारात घर, पंचायत घर की यहाँ बहुत ही अति आवश्यकता है जिसके लिए प्रधान मांग रखते हैं। यहाँ खेल के मैदान की भी जरूरत है जिसके लिए प्रधान मांग रखते हैं। एक जो यहाँ पर काबिल तारीफ काम प्रधान जी का यहाँ देखा गया है कि जितना भी काम, विकास कार्य इस गांव में हुआ है केवल और केवल प्रधान निधि से यहाँ करवाया गया है। हालांकि सांसद निधि, विधायक निधि से काफी मदद लेने की उन्होंने कोशिश की है लेकिन अभी तक कोई मदद इन्हें नहीं मिली। उम्मीद है, प्रधान जी का कहना है कि यदि उन लोगों से थोड़ी सांसद निधि, इन प्रतिनिधियों से थोड़ी मदद मिले तो ये गांव और ज्यादा विकसित हो जाएगा और धनराशि पर्याप्त मात्रा में मिले क्योंकि क्षेत्रफल ज्यादा है, धनराशि यदि अच्छी मिलेगी तो गांव अच्छा विकसित हो जाएगा। अशरफ अली के साथ मनाज सिंह, टुडे 24 से। आपका नाम बताएं? मेरा नाम महेश पाल सिंह। महेश पाल जी, जैसे कि आप यहाँ पूर्व प्रधान रह चुके हैं, अब
जो प्रधान यहाँ मौजूद हैं, काफ़ी विकास गांव में उनके द्वारा यहाँ करवाया गया है, तो इन विकास कार्यों को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? प्रथम भ्रता इनकी है, गांव में इन्होंने नशा मुक्त कर दिया, गांव में शराब का चलन बंद है जी, पहली प्राथमिकता इनकी है। दूसरे विकास वाले जितना इन्हें मिला है, इन्होंने 7% काम लगाया है और जितना भी इनसे हो सका है गाँव के सहयोग में काम किया है उन्होंने। कार्य से संतुष्ट हैं आप? हाँ, इनकी कार्य जितनी सुविधाएं गांव वालों को, मतलब जो पूरे संतुष्ट हैं। मेरा नाम प्रभाकर शर्मा जी। शर्मा जी बताइए कि यहाँ पे ग्राम प्रधान द्वारा विद्यालय में क्या क्या विकास कराया गया? ये आपके फर्श से बाउंड्री है इत्यादि, शौचालय का निर्माण हुआ और बाउंड्री वाल हुई है। कार्य सहमत आप ग्राम प्रधान के? हाँ सही है, सहमत है। टंकी वगैरह, 8 टंकी वगैरह सभी चीज़ें हुई, सारी संतोषजनक रहा इनके।